भिवंडी शहर की सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए टोरेंट पावर है। अरे वो चुनाव जीतेगा तब टोरेंट जाएगी, वो चुनाव जीतेगा तब शहर का विकास होगा, वो चुनाव जीतेगा तब बच्चे लोगों को नौकरियां लगेगी। अरे उसको चुनाव तो जीतने को, अब आपको मुमरा में जीते देना, फिर मुमरा में टोरेंट क्यों? मुमरा में मैंने टोरेंट नहीं लाया, मुमरा में लाया टोरेंट देवेंद्र फडणवीस और बावन कोड़े ने। लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है, आंगनवाड़ी बालवाड़ी जैसे स्कूल इनकी अभी तक पाड़े में गांवों में आए नहीं, बच्चों की इनकी परिस्थिति खराब है। हर साल हर पाँच साल में कोई ना कोई हमारे पास आता है, हमारे पास वोट मांगता है, हमारे को आशा दे के जाता है कि हम ये करेंगे, हम तुमको रास्ते बना के देंगे, सब कमिटमेंट करता है, लेकिन कोई कमिटमेंट पूरी नहीं होती। हमको थाना मुंबई के लिए रिफर करना पड़ता है और ये जो गांव से आए इनको तो ऑप्शन ही नहीं है। भिवंडी आने के बाद ये परेशान होते हैं, बच्चों को लेके परेशान होते हैं, महिलाओं को लेके परेशान होते हैं। तो हम इस तरीके के आज शहर में 2024 जो सन चल रहे 21वीं सदी में जीने वाले भी हम जानवरों को ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जब तक मेरा बोलना ये, जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तो हम हमारे शहर का विकास नहीं कर सकते। सामने साहब खड़े हैं, इधर मामा खड़े हैं, तो वोट का बंटवारा उधर हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखो नीलेश सांबरे एक जात के आधार पे खड़ा है और मुझे नहीं लगता है जात के आधार पे किसी को वोट मिलता है। और हार के आसार जब दिख रहे हैं तब उसके पीछे कौन जाएगा? ये ऐसा चर्चा चल रही है लोगों के अंदर की जो है मामा को नुकसान हो सकता है उनकी वजह से। मैं फायदा और नुकसान आज नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब वो बैलेट बॉक्स खुलेगा तो आपको समझेगा किसको फायदा होगा। अच्छा, शहर की समस्या को देखते हुए जैसे कि देखा जाए कि पिछला 10 साल तक खासदार रहने के बाद भिवंडी शहर की समस्या, देखो ऐसा है कि मामा को आने के बाद तो क्या लगता है कि मतलब ऐसा है वो उधर ऐसा हुआ तो उधर ऐसा होगा तो उधर ऐसा होगा, ये बातों पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। 10 साल उसको अजमाया है लोगों ने, उसकी अजमाइश ली है, अब मौका दो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुमरा देखो और भिवंडी में मामा को लाओ। मुमरा में कुछ कमी रही है क्या?
तो वैसा ही भिवंडी बना के देंगे। भिवंडी शहर की सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए टोरेंट पावर है। मामा से बहुत उम्मीदें लगा के रखे हैं भिवंडी वासी, क्या लगता है आपको टोरेंट से कुछ ऐसा है कोई चीज से राहत मिलाने के लिए ताकतवर नेता लगते हैं? तो आपको क्या लगता है कि मामा ताकतवर नहीं है अगर जीतने के आने के बाद? अरे मैं ऐसा बोला क्या? नहीं आप बोले नहीं अभी कि ताकतवर नेता चाहिए तो ताकतवर बनाने के लिए जनता साथ दे रही है तो इसलिए अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, मामा को आने तो दो ना। अरे वो चुनाव जीतेगा तब टोरेंट जाएगी, वो चुनाव जीतेगा तब शहर का विकास होगा, वो चुनाव जीतेगा तब बच्चे लोगों को नौकरियां लगेगी। अरे उसको चुनाव तो जीतने दो साहब। आप तो मुमरा में जीते थे ना, फिर मुमरा में टोरेंट क्यों है? मुमरा में मैंने टोरेंट नहीं लाया, मुमरा में लाया टोरेंट देवेंद्र फडणवीस और बावन कुड़ी ने, और उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया 15 साल का, और आज भी उधरी वही सरकार वहां पे बैठी है। चुनाव टोरेंट के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, नहीं संदेश क्या देना चाहिए? आप लोकसभा के चुनाव को छोटा मत बनाओ जी। ये मुसलमानों के पीछे जो सीए लगने वाला है, ये अकलियतों के ऊपर जो जुल्म होने हो रहा है, पिछड़े वर्ग के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, आरक्षण निकाला जा रहा है, संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है, महंगाई ऊपर जा रही है, इसमें ये सब विषय आते हैं। कैसा है आवाज साहब हुए, बाल्या मामा हुए, इन लोगों से पर्सनल मैं मिला हूँ, इनका काम मैंने मुमरा में भी देखा है और बाल्या मामा का भी काम देखते आया हूँ, क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आज आए हैं, 10 साल हुए एक आदमी को अपने 10 साल दिए। इनके गांव में जब मैं पर्सनल गया तो इनके घरों की जो हालत थी, इनके रस्तों की जो हालत थी, पानी की कोई सोई नहीं थी वहाँ पे, उसके बाद लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है, आंगनवाड़ी बालवाड़ी जैसे स्कूल इनकी अभी तक पाड़े में गांवों में आए नहीं, बच्चों की इनकी परिस्थिति खराब है। और जब मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने एक ही चीज़ मेरे को बोली कि हर साल हर 5 साल में कोई ना कोई हमारे पास आता है, हमारे पास वोट मांगता है, हमारे को आशा दे के जाता है कि हम ये करेंगे, हम तुमको रास्ते बना के देंगे, सब कमिटमेंट करता है, लेकिन कोई कमिटमेंट पूरी नहीं होती। तो मैंने इनसे एक वादा किया कि अगर बाल्या मामा खासदार न्यूयॉर्की में जीत कर आता है तो इनसे एक वादा किया हूँ कि ये वादा इंशाअल्लाह बाल्या मामा पूरा करेंगे। तो ये कौन सा वादा आपने किया है? मैंने इनसे वादा किया हो कि इनके रास्ते, इनके पानी की समस्या, इनके बच्चों के लिए स्कूलों की समस्या, इनके लाइट की समस्या, जैसे बहुत बेरोजगार बच्चे हैं गांव में, बहुत बेरोजगार है, इनको काम नहीं है, जंगल में जाते हैं, खेतीबाड़ी थोड़ी बहुत करते हैं, उसके अंदर इनका पेट पानी चलता है, तो इनको काम दिलाने की समस्या, ये सब मैंने वादे किए और इंशाल्लाह बाल्या मामा जीतने के बाद ये वादे पूरे होंगे, मुझे बाल्या मामा से पूरी उम्मीद है। और व्हाट्सएप से आप, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज जो उपस्थिति हमने की, जिन लोगों को लेके आए, तो ये सब जो पीछे बैठे है ये पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान है, और ऐसे कुछ नहीं, काफ़ी लोग, पूरा भिवंडी शहर कोई विकास कोई मामला कुछ नज़र नहीं आया, इसकी चर्चा और विषय करने पर है तो कोई बात तो आती नहीं है। आज फिलहाल जिस वक्त अभी जितेंद्र आवाड साहब ने आपको सामान चीज़ें बता दी गई है, मामा ने मैं आपको बता दिया कि हम जीतने के बाद क्या काम करने वाले और कैसे काम करने वाले, तो पूरा हमें उम्मीद है और यकीन है कि आवाड साहब जैसे नेता जिस तरीके से मुमरा को इन्होंने सुधारा है, उसी तरीके से भिवंडी में मामा जीत के आने के बाद आवाड साहब, मामा और हमारी राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार साहब, ये पूरे शहर को हर तरीके से, जो हमारे भिवंडी शहर में आईजीएम के मसले सबसे बड़े मसले हैं, अगर हम आईजीएम की बात करेंगे ना, आईजीएम के अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके अंदर भी कोई सुविधा नहीं है, खाली वो नाम का सिर्फ एक बना के रखा हुआ है, वहाँ भी हमको भिवंडी से हमको थाना मुंबई के लिए रिफर करना पड़ता है, और ये जो गांव से आए इनको तो ऑप्शन ही नहीं है, भिवंडी आने के बाद ये परेशान होते हैं, बच्चों को लेके परेशान होते हैं, महिलाओं को लेके परेशान होते हैं, तो हम इस तरीके के आज शहर में 2024 जो सन चल रहा है, 21वीं सदी में जीने वाले भी हम जानवरों को ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
तो जब तक मेरा बोलना ये, जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तो हम हमारे शहर का विकास नहीं कर सकते।